YouTube चैनल में आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर्स की मेमोरी या कंप्यूटर के दिमाग के बारे में और कुछ प्रमुख बातों के बारे में जिससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड और लाइफ दोनों बढ़ाई जा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर की जो मेमोरी पार्ट होता है वह डेटा स्टोरेज और डेटा की प्रोसेसिंग के रूप में जाना जाता है, जो कंप्यूटर के अंदर डेटा या इन्फॉर्मेशन या आपके द्वारा सेव की गई वीडियोज़ या पिक्चर्स को टेम्प्रेरी या परमानेंट बेसिस पे सेव करता है। इसके कुछ टाइप्स को हम आगे देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के बारे में, जिसे हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कंप्यूटर का सारे डेटा इन्फॉर्मेशन एक इलेक्ट्रॉनिक चिप में सेव होता है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है रैम, दूसरी होती है रोम। रैम जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, जो डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में टेम्प्रेरी रूप में होल्ड करता है, और जैसे आप अपना काम बंद कर देते हैं या अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, इसमें मौजूद सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। रैम भी अपने यूजेज और स्पीड के अकॉर्डिंग होती है। कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग और स्पीड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये भी दो प्रकार की होती हैं, पहला स्टैटिक रैम, दूसरा डायनेमिक रैम। इन्हीं की डिटेल्स में हम आगे जानते हैं। जैसे स्टैटिक रैम के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जो बेसिकली हाई इन गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के काम आती है और थोड़ी सी खर्चीली भी होती है। फिर बात करते हैं डायनेमिक रैम की। यह स्टैटिक रैम की अपेक्षा स्पीड में कम होती है और डेटा को देर तक होल्ड और प्रोसेस करने की इसमें क्षमता होती है। फिर बात करेंगे हम रोम या रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इससे केवल पढ़ा जा सकता है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। बेसिकली कंप्यूटर्स के सारे इंस्ट्रक्शन और बेसिक प्रोग्राम जो कंपनी द्वारा लोड किए जाते हैं इसी मेमोरी में लोड किया जाता है। रैम को भी हम कई सारी कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे पी रोम जिसे हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जिसमें डेटा को सिर्फ एक बार लिख दिया जाता है और इसे दोबारा मिटाया नहीं जा सकता है। जहाँ बात करें दूसरे रोम की, जिसके अंदर डेटा को हम अल्ट्रा वायलेट रेस से मिटाकर दोबारा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को लोड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिलीट और प्रोग्राम की जा सकती है। बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी की। ये आज के टाइम में बहुत पॉपुलर और बहुत ज़्यादा ही यूज़ होने वाली डिवाइस है, जो हमारे डेटा को परमानेंट रूप से सेव करने के लिए यूज़ की जाती है। ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस से थोड़ी सस्ती और स्पीड में उससे थोड़ी सी कम होती है। आइए जान लेते हैं इनके भी कुछ टाइप्स के बारे में। पहले बात करते हैं हम मैग्नेटिक टेप्स की, जो ओल्ड फैशन हो चुका है, जिनका यूज़ शायद ही आज के ज़माने में कोई कर रहा हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ऑडियो कैसेट हो गई, आपका वीडियो टेप हो गया, फ्लॉपी ड्राइव हो गई। फिर बात करते हैं ऑप्टिकल ड्राइव्स की, जो सस्ते होते हैं और ज़्यादा स्टोरेज के लिए जाने जाते हैं। एग्जांपल इनके हो गए आपके सीडी, डीवीडी और मार्केट में उपलब्ध बीआरडी ब्लू रे डिस्क के नाम से हम जिसे जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे हम लोग एसएसडी या फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जान सकते हैं। अगर बात करें इनकी डिटेल्स की, तो सबसे कॉमन डेटा स्टोरेज के लिए हम काम में लेते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव को, जो डेटा को एक मैग्नेटिक डिस्क में एक ऑर्डर और एक सीक्वेंस में रखता है, जिससे हमें दोबारा डेटा का एक्सेस बहुत आसानी और बहुत तेज़ी से मिल जाता है। जहाँ तक बात करें सीडी की, तो मार्केट में अपने अलग अलग स्टोरेज और काम करने के उपयोग के अनुसार ये मार्केट में बहुत आसानी से और बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग डीवीडीज की, जो सीडी से ज़्यादा स्टोरेज देती हैं। इसके बाद बात करते हैं बीआरडी या ब्लू रे डिस्क की, यह सबसे ज़्यादा स्टोरेज और डाटा कैपेसिटी वाली ऑप्टिकल ड्राइव है। बात करते हैं पेन ड्राइव्स की या यूएसबी ड्राइव्स की, जो प्रेजेंट टाइम में डेटा ट्रांसफ़र और स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी के लिए यूज़ हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव या प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।